जनपद संभल के चंदौसी के विभिन्न संस्थानों में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आज देश भर में राजकीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। इस अवसर पर जनपद संभल के चंदौसी के विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर एम वर्ल्ड स्कूल में ध्वजारोहण आयोजित किया गया, साथ ही चंदौसी पब्लिक स्कूल व सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित करने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त चंदौसी कोतवाली परिसर में भी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह पवार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर एम वर्ल्ड स्कूल के संस्थापक अनुप मंगलम ने बताया कि आज हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बताया जा रहा है कि यह आज़ादी हमें अपने पूर्वजों के बलिदान के कारण मिली थी। वहीं चंदौसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अवध किशोर ने बताया कि यह स्वतंत्र दिवस हर घर में खुशहाली लाए, साथ ही हम प्रधानमंत्री के संदेश हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को अपनाएं। वही सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य कपिल ने इस अवसर पर बताया कि यह आज़ादी हमारे पूर्वजों के बलिदान तथा सीमा पर खड़े सैनिकों के कारण मिली है, जिसे हमें संभाल कर रखना है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस के पर्व को धूमधाम के साथ मनाना है। देना चाहूँगा मैं कि हमारा ये 77वां स्वतंत्रता दिवस सब घरों में खुशहाली लाए, हर दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा करे और हिंदुस्तान को नंबर एक देश बनने में हम सबका सहयोग करता रहे। मैं अपने देशवासियों को, प्रत्येक नागरिक को आज इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। हम सब एक हैं और हम प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को सब फॉलो करें कि घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा। थैंक यू वेरी मच। इस पर यही संदेश देंगे कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, अपने परिवार की खुद की कुर्बानी दी है, तब हमें आज़ादी मिली है और उसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए और आगे प्रगति की ओर देखना चाहिए। और उसमें और भी एस्पेक्ट देखने चाहिए कि क्या क्या वजह रही जिससे हमें भविष्य में सीखने को मिले कि कैसे हमने संघर्ष किया। आज हम सभी देशवासी 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त का दिन प्रत्येक देशवासी के हृदय में गर्व, उत्साह एवं प्रेम का संचार करता है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 को भारतवासियों ने पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज इस पावन पर्व पर उन अमर शहीदों, महापुरुषों एवं देशभक्तों को हम सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके अदम्य साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष से हमें स्वतंत्रता मिली है। इस गौरवमय दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत।